2 सप्ताह हो गया विधानसभा का चलते हुए, बेरोजगार पूछ रहे हैं हम लोग का, रोजगार पे कोई नहीं बोल रहा है। भगवा पे बात हो रहा है, 4 स्टेट का जीत पे बात हो रहा है, कश्मीर फाइल पे बात हो रहा है, बजट पे बात हो रहा है, कटौती में हो रहा है, समर्थन में हो रहा है, लेकिन नौकरी कब मिलेगा हम लोगों को? यही चीज़ तो हम भी पूछना चाह रहे हैं कि भाजपा और आसी के लोग जो बराबर भाषा 1932 और यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं कि ये करना है वो करना है, लेकिन रोजगार के विषय पे वो लोग कहाँ बैठ रहे हैं? ये चीज़ तो उनको होना चाहिए। सरकार यहाँ काम कर रही है, सरकार रोजगार के विषय पे भी काम कर रही है और लोगों को रोजगार दे भी रही है, जो आपका तो लोग है, आपका मुखौटा लगा करके आसू पार्टी के लोग घूम रहे हैं जो कि यहाँ के आम जन को रोजगार परमित करने का काम कर रहे हैं और मुखौटा लगा करके सड़कों पर उतरे हुए हैं। रोजगार की मांग वो कर सकते हैं, लेकिन आज हमेशा से भाजपा और आसू की पार्टी ने हमेशा से जातीयता की राजनीति की है। बराबर हिंदू मुस्लिम करने का काम किया है, रोजगार पे वो क्यों नहीं बोलते हैं? रोजगार पे उन पे बोलना चाहिए ना, लेकिन विपक्ष भूमिका अच्छा अदा नहीं कर रहा है, तो सत्ता पक्ष में आप कर रही है, सरकार काम कर रही है, सरकार रोजगार भी लोगों को मुहैया करा रही है, इसीलिए तो विपक्ष शांत है, नहीं तो क्या वो बोलती नहीं? शुक्रिया। देखिए, तुमने तैयारी कहाँ से की? NIBM से। मैं NIBM को बधाई देता हूँ। आप जो सपना देख रहे हैं उस सपने को हम दोनों मिलकर पूरा करेंगे। NIBM। इनकी खामोशी का एक मिला, आप लोग खामोश इसलिए हैं कि JMM की सरकार से गदगद हैं। कारण कोई कारण होना चाहिए, मुझे तो लग रहा है बेरागढ़ कर रही है JMM की सरकार गदगद। लेकिन बोल रहे कि इसीलिए तो विपक्ष चुप है कि हर काम हो रहा है अच्छे से, सवाल ही नहीं है, जनता के मुद्दे भी नहीं है, तब वो क्या बोलेंगे सदन में, चिल्लाएंगे? कौन, ममता देवी बोल रही है? ममता देवी खुद अपने सरकार से खुश है? हाँ, वो तो बोल रही है पूरा टनाटन काम तो कर। फिर प्रेस में आते हैं तो क्यों बोलती है कि महिलाओं का सम्मान नहीं मिलता, मेरी बात नहीं सुनती, उसका बॉडी गार्ड है? क्यों कारण है बॉडी गार्ड नहीं है, जरा पूछिए उनसे, पूछे आप। हम तो रोजगार के मुद्दे पे उठे पूछ रहे हैं, ना BJP ने मुद्दा इसको उठाया, ना कांग्रेस उठाई, ना JMM उठाया, मुख्यमंत्री से कोई ये नहीं पूछ रहा है कि आप नियुक्ति वर्ष बोल रहे हैं, फाइनेंशियल ईयर भी पार हो गया, कब मिलेगा नियुक्ति? देखिए पांडे जी, ये मुद्दा अहम मुद्दा है और बहुत ही सीरियस मुद्दा है। मैं हर बार यही बोल रहा हूँ कि नियुक्ति वर्ष 2021 आपने घोषित कर दिया, आप पेपर में बताएं कि आपने कितनी नौकरियाँ दी है। मैं ये बोल रहा हूँ कि JPSC का घोटाला हो गया, आप चुप बैठे हुए हैं। मैं ये बोल रहा हूँ JCC में नियमावली खराब बन गई, आप चुप बैठे हुए हैं। इसको लेकर सदन के अंदर आवाज़ उठा रहे हैं, आश्वासन सरकार से मिल रहा है फिर काम नहीं हो रहा है, और फिर उल्टा स्टेटमेंट जब सत्ता पक्ष का आता है कि सब चीज़ ठीक चलता है, तो इससे आप समझ सकते हैं कि पूरे प्रदेश की मनोस्थिति क्या है सरकार चलाने को लेकर सत्ता पक्ष की। तो ये काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। जिस मुद्दों को लेकर युवा आज मैदान में है, सड़क पर है, उस मुद्दों को हम लोगों ने सदन के अंदर उठाने का काम किया है, और जिसका परिणाम है कुछ चीज़ों में हम लोगों ने इंक्रीमेंटल ग्रोथ देखा है, इंक्रीमेंटल उसमें इम्प्रूवमेंट हुआ है, लेकिन जो एक्सपेक्टेशन है सरकार का, जो एक्सपेक्टेशन है जनता को, वो पूरा नहीं कर पाई है सरकार। ये मुद्दा तो हम लोग बार बार उठा रहे हैं और लगातार उठाते रहेंगे। शुक्रिया। तो देख लीजिए नेता, मैडम सुनिए, एगो आपके बारे में बात आ रहा है कि आप 4 देश में जीत गए, तो वो ठीक है, मेरा सवाल ये है, नहीं बोलिएगा, बच्चा लोग को रोजगार नहीं मिल रहा है, नौकरी नहीं मिल रहा है, इस पे क्यों नहीं सवाल पूछ रहे हैं आप लोग? और सब पूछिए ना, और सब पूछिए कि रोजगार काहे नहीं मिल रहा है। ठीक है, चलिए, मैडम नहीं बोलेंगी कह रही हैं, लेकिन BJP की खामोशी बोलिएगा, हाँ, BJP की खामोशी को सत्ता पक्ष ये बोल रही है कि सरकार का काम है इतना बढ़िया कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, लेकिन बेरोजगार रोजगार की मांग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, कर रहे हैं तो उनकी आवाज़ कितनी उठ रही है ये पता नहीं है मुझे, लेकिन सदन के अंदर नेताओं का बयान और सदन के बाहर बयान दोनों में काफ़ी अंतर दिखता है, उसको एक करना चाहिए। शुक्रिया। The followup.in, like, share, and subscribe. www.thefollowup.in